नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। और मैं पहुंच चुका हूं पुष्कर, और आप देख सकते हैं कि पुष्कर में जो तैयारियां हैं पहले से बहुत अधिक ज़्यादा ज़ोर शोर से चालू हो चुकी हैं, और एक दो दिन के अंदर पूरी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। और ये स्विस टेंट का सामान है। ये क्या भाई साहब, किसका स्विस टेंट वगैरह बनाने का सामान है क्या? ये आप देख सकते हैं कि जो स्विस टेंट है उनको भी बनाने की कार्रवाई यहाँ पे जोर शोर से चल रही है। ये देख सकते हैं आप, घोड़ों के बांधने के लिए भी जगह का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, और चारों तरफ अभी पुष्कर में टेंट ही टेंट नज़र आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह स्टोरियाँ ही स्टोरियाँ लगी हुई हैं, और आप देख सकते हैं वो ऊपर की साइड में भी। और ये मेला बहुत लंबे जगह में फैल चुका है। अगर बात करें तो मेला घूमने के लिए जो भी व्यक्ति है उसको आराम से 1 से 2 दिन तो आराम से चाहिए। बाकी कौन कौन लोग मेले में आ रहे हैं वो एक बार बताएं। देखो इधर भी टेंट है, इधर ये टेंट के बीच से ये शायद रास्ता है। इधर अभी शायद महिपाल जी खड़े हुए हैं आगे, और JCCB का काम अभी भी चालू है, और अभी भी बहुत सारे लोग अपनी जगहों को साफ करा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मेला कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है। अभी पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, पर 1-2 दिन के अंदर ये मेला और घोड़े यहाँ पर आने लग जाएंगे, और मेले में रोजीना दिन प्रतिदिन रौनक देखने को मिलेगी। देखो JCB यहाँ पर अभी चल रही है। और महिपाल जी कैसे हो? अरे प्रदीप भाई नमस्ते, बढ़िया। कैसे JCB चला रहे हो अभी? सर ये बबलू भाई की जगह है, वो उसको सही करवाता हूँ बोला सर। अच्छा, तो क्या ऊपर नीचे हो गई थी क्या? ये जगह थोड़ा प्रदीप भाई ऊपर नीचे हो रही है। अच्छा अच्छा, लेवल करवाना है पूरे को? पूरे को ही। बाकी पानी वानी का सब जुगाड़ हो गया क्या? सब हो गया बबलू भाई, वो आगे खेली वो खेल गया, पानी आ ही रहा उसके बाद। तो ये स्विस टेंट वगैरह कौन लगा रहा है इस बार? ये MD टेंट वाला हसन। स्विस टेंट? हाँ, पूरा कंप्लीट लगा के। पूरा कंप्लीट लगा के JCB, यानी कि JCB का काम भारी हो गया आपकी बार तो है। अभी भाई क्या है, नया मेला ग्राउंड है, अभी इसके अंदर थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। JCB वाले आराम से मिल जाते हैं क्या? आराम से मिल जाते हैं बहुत। कितने JCB वाले होंगे पूरे पुष्कर में? मेरे हिसाब से कम से कम 7-8 JCB वाले होंगे यहाँ पे, जो पूरा जमीन को प्लान कर दिया है। ये तो इस साल और इससे अगले साल और उससे अगले साल देखना आप, और भी बढ़िया हो जाएगा, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। तो कितने क्या घोड़े वगैरह लेके आने वाले हो इस बार? प्रदीप भाई 4 लेके आने वाले हैं। 4 लेके आने वाले हो, तो मेला कब से लग रहा है कि और रौनक बढ़ती जाएगी? अब तो मेरे को लगता है दिन प्रतिदिन मेले में रौनक आती चली जाएगी। तो आने लग गया प्रदीप भाई, है ना? अभी व्यापारी आ गए, व्यापारी तो आ ही गए यूपी। बाकी मेरे को लगता है फार्म वाले घोड़े 8 तारीख के बाद में आना स्टार्ट हो जाएंगे, 9-10 तारीख के आसपास आएंगे। तो JCB क्या लेती है एक घंटे का चार्ज? ये साहब 1000 रुपए है। 1000 रुपए तो खड़े रहना पड़ता होगा? खड़ा तो रहना ही पड़ता, नहीं तो ये तो सर में मिट्टी लगा के चले। पर ऐसी मिट्टी मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है ना घोड़ों के लिए। बस बहुत हो जाएंगे घोड़ों। आपका तो पहला ही मेला होगा ये? हाँ सर, मेला तो पहला ही मेला है। तो उत्साह है क्या मेले को लेके? बिल्कुल उत्साह है। चलो चलो। तो दोस्तों आप देख सकते हो, बाकी मैं आपको मेला और भी ऊपर दिखाता हूँ, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि पैर भी धस जाते हैं बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर। और जब शाम को आप अपने होटल या घर लौटेंगे तो मेरे को लगता है जूतों में 50 या 100 ग्राम मिट्टी आपको आराम से आपके घर पे आपके जूतों के द्वारा पहुँच जाएगी। चलते चलते सांस फूलने लग जाती है, मिट्टी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। बस रेगिस्तान का ऊँट ही बहुत अच्छे से चल सकता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये टेंट वगैरह इधर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये गाड़ियों की राइड और सफारी भी कराई जाती है, जिसका भी लोग बहुत मज़ा और आनंद ले रहे हैं।
सब जगह आपको घोड़े के टेंट ही टेंट नज़र आ रहे होंगे, पर वो खाली, पर कुछ ही मान के चलो कुछ ही घंटों में, यानी कि 24 से 48 घंटों में ये सारे टेंट फुल भी हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब घोड़ों के आने की शुरुआत हो चुकी है। ये टेंट है एमडी टेंट हाउस। क्या हाल है भाई साहब आपके? बढ़िया है। ये बताओ स्विच टेंट वगैरह लगाने का क्या चार्ज वगैरह क्या है? अपने पास तो है ही नहीं स्विच टेंट। है ही नहीं? नहीं। तो फिर आदमी कहाँ से लगवाएंगे जो पुष्कर में आएंगे? वो बैठे नीचे, जयपुर की पार्टी आई हुई है स्विच कोट लेके, वो लगा रही है। नहीं, आप कितने स्विच टेंट लाए थे? मैं तो लाए नहीं। नहीं लाए? तो अपने पास में क्या क्या मिल जाएगा? अपने सिर्फ घोड़ों का सामान है, घोड़ों पे छाया करने का। छाया करने का पूरा, जैसे स्टोरी है, डेरा है। तो उसका क्या क्या प्राइस है, कुछ रखा है प्राइस? अलग अलग है, स्टोरी जैसे 10,000 की है पूरे मेले के लिए। पूरे मेले की? तो फोन वगैरह जैसे कोई कर रहा है तो उस पर भी लगा के दे देते? उस पर नहीं लगा रहे उनको, या बुला रहे हैं पहले जगह चॉइस करो उसके बाद में लगाओ, क्योंकि इसमें कम से कम आधा दिन लगता है लगाने में। आधा दिन? भाई कुछ लोग तो लगवा के और पैसे भी नहीं देके जाते होंगे। अब है, लेकिन अभी अपना सिस्टम चेंज कर दिया। अच्छा, अब क्या कर दिया है? अभी कैश का सिस्टम है अपना। अच्छा, फोन पे पहले ही ले लेते हो? बस पैसा पहले भाई, उसके बाद में तेरा काम होगा। ये क्या मेले में ज्यादा घाटा हो जाता था पहले? फुल पहले तो यार देखते थे, दे देंगे यार, देखते ही नहीं थे, अब क्या करें। चलो अब की बार सिस्टम चेंज कर दिया। तो सिस्टम चेंज करने से कुछ बदलाव आ रहा है क्या? कुछ बदलाव आ ही रहा ना। आ रहा है? आ रहा है। उससे ये कि भाई मेला खत्म होने से पहले पैसा हाथ में आ जाता होगा। बहुत से कस्टमर नाराज भी हो रहे हैं, तुम मैं नाराज हो भाई, मैंने कहा घर जाओ, नाराज हो। तो नाराज तो वो इसलिए हो रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि इस बार भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। हाँ, वही तो। चलो चलो, ऐसे लोग रहते हैं 100 में से एक आध तो है। बाकी मेला कितने दिनों में लग रहा है और भरने की संभावना है? ये 8 से 21 तक का है, बाकी 9-10 तक पैक हो जाएगा फुल। अभी कितनी स्टोरियां लगा दी होगी आपने पूरे मेले में? मेरी स्टोरी लगी है करीबन 40। 40 स्टोरी? और कितनी स्टोरी और लेके आए थे आप? नहीं, अपने पास स्टॉक में थी इतनी, 40 थी। यानी मेला भरेगा, यानी खतरनाक वाला मेला ठीक जाएगा। यानी लगता है कि जितने चंद घंटे जा रहे हैं वही गुजर रहे हैं, बस जब घर भरना स्टार्ट होगा तो बहुत बेहतरीन होगा। बेहतरीन हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। क्या है भाई साहब अपना फोन नंबर वगैरह बताओ एक बार। मेरा नंबर है 9929888625। बाकी अपने पास में कुर्सी, खाट, ड्रम, ब्रम सब मिलेगा, सब मिलेगा। स्विच कोड वगैरह ऐसा आइटम नहीं है, बाकी दूसरा आइटम सारा मिलेगा, सब मिलेगा ना। ओके, तो आप देख सकते हैं ये एमडी टेंट हाउस के जस्ट सामने ही पुलिस थाना बना दिया गया है टेम्परेली। बाकी जो भी और अपडेट होगी हम आपको हर वीडियो के हिसाब से अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।